बेटा हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इसमें पहला हो जाएगा, देखें प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसमें देखा जाए पहला बाय रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ एल्काइन, बाय रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ एल्काइन। यहाँ पर एजेंट, यहाँ पर O3CCl4, यहाँ पर जिंक वाटर का मिक्सचर और डाई मेथिल सल्फाइड ले लेंगे। ब्रेक डबल बॉन्ड ऑफ एल्कीन एंड एड ऑक्सीजन ऑन बोथ साइड, मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज ऑब्टेंड। नेचर ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन। नोन एज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ये इन एल्काइन पढ़ाया गया है पीछे, ब्रेक टू बॉन्ड फ्रॉम ट्रिपल बॉन्ड एंड एड्स ऑक्सीजन ऑन बोथ साइड। नोट करके O3CCl4, यहाँ पर आप वाटर ले रहे हो ना, वाटर मिले H2O2 ले लो। ब्रेक डबल बॉन्ड ऑफ एल्कीन कन्वर्ट CH into COOH and C into CO, mixture of acid and ketone is obtained. But nature of actual product
डिपेंड्स अपॉन स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, नोन एज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। नोन एज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। इन केस ऑफ एल्काइन इट ब्रेक ट्रिपल बॉन्ड एंड कन्वर्ट ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन इंटू सी डबल ओ एच, कन्वर्ट इंटू सी डबल ओ एच। With help of ozonolysis, structure of alkene can be predicted. Structure of alkene can be predicted. यहाँ पर यहाँ पर डबल बॉन्ड को तोड़ दिए, दोनों साइड में ओ जोड़ दो, तो यहाँ पर हो जाएगा सी एच थ्री सी एच ओ सी एच थ्री सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ। दोनों साइड में ओ जोड़ दो, ओ ये हो जाएगा। वही एजेंट लेंगे, तोड़ेंगे, यहाँ पर ओ जुड़ जाएगा, यहाँ पर ओ जुड़ जाएगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। आर करके ये हो जाएगा। ये हो जाएगा चलो भैया। यहाँ पर टूट जाएगा, ये हो जाएगा।
एल्काइन में ले लिया जाए तो O3CCl4 H2O जिंक, ये केवल दो बॉन्ड को तोड़ेगा और दोनों तरफ ऑक्सीजन जोड़ेगा। यहाँ पर अगर जिंक को हटा दिया जाए तो ये तीनों बॉन्ड टूट जाएगा ये, और ये ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन बन जाएगा C-OH में। तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे C-OH के, एसिड बन गया। एल्कीन भी देखें, सब पढ़ाया गया था एल्कीन वाले चैप्टर में डिटेल में, O3CCl4 यहाँ पर H2O जिंक नहीं ले रहे हैं, ये बॉन्ड को तोड़ेंगे CH को C-OH में और C को CO में, तो यहाँ पर हो जाएगा RC-OH RRC-OH ये हो जाएगा। क्वेश्चन, ऐसे दे दिया गया यहाँ पर दो मोल, व्हाट इज ए। अब यहाँ पर ध्यान दो, दोनों में एक एक मॉलिक्यूल है तो दोनों को ऐसे लिखो कि दोनों के ऑक्सीजन एक तरफ आ जाएं। दोनों आ जाएं और फिर ये दोनों ऑक्सीजन को निकाल के दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, तो यहाँ पर हो जाएगा RCH2CH डबल बॉन्ड CH R, यहाँ पे R हो जाएगा, यहाँ पर A, यहाँ पर A। क्वेश्चन नंबर दो, व्हाट इज ए। अब यहाँ पर ध्यान दें, जब तीन है तो दो में एक एक ऑक्सीजन होंगे और एक में दो ऑक्सीजन होगा, तो एक एक वाले को आप किनारे लिख दें और दो वाले को बीच में, और इस तरह से लिखें कि ऑक्सीजन एक दूसरे को फेस कर रहे हों। इसके बाद आप ऑक्सीजन हटाएंगे, ऑक्सीजन हटा दिए, और ऑक्सीजन हटाने के बाद अब आप क्या कर रहे हैं, वो हटा दो, लगा दो, मतलब डबल बॉन्ड लगा दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा RCH2CH डबल बॉन्ड CHC डबल बॉन्ड C, यहाँ पर R, यहाँ पर R हो गया। क्वेश्चन नंबर थ्री, यहाँ दो, एक ही ऑक्सीजन है, मतलब एक ही कंपाउंड अगर है
तो आप जान लीजिए कि दो प्रोडक्ट बने हैं, सॉरी साइक्लिक रिएक्टेंट रहा होगा। अगर एक ही है तो रिएक्टेंट क्या रहा होगा? साइक्लिक रहा होगा। और जितने कार्बन है उतने कार्बन का साइक्लिक बना दो और एक डबल बॉन्ड लगा दो, ये ध्यान दो, CH2 चार बार लिखना। ये ओ यहाँ से हट जाएगा। अब डबल बॉन्ड लगा दो, चाहे ऐसे ही बना दो। ये हट गया, डबल बॉन्ड लग गया, ठीक भैया। तो इस तरह से यहाँ पर पूछा जाएगा व्हाट इज ए। तो इस तरह के मतलब आइडेंटिफाई करना होता है। तो इस तरह से हम लोग इस पर ध्यान रखेंगे, ओजोन लेसिस पर। आगे हम लोग चलेंगे बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, तो हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन देखेंगे। यहाँ पर एजेंट आपके पास H2O, H2SO4, Hg++, मार्कोनी कॉप रूल एडिशन, डिटेल में लिखा गया है एल्कीन वाले चैप्टर में, देख लीजिएगा। ये यहाँ पर H2S हो जाएगा, सॉरी H2O नॉट S, और दूसरा हो जाएगा NaBH4, मार्कोनी कॉप रूल एडिशन, नोन एज ऑक्सी मर्क्यूरेशन। डी मर्क्यूरेशन एडिशन या एंटी मार्कोनी कॉप रूल इन प्रोडक्ट इज ऑब्टेंड, इन प्रोडक्ट इज ऑब्टेंड। नोन एज हाइड्रोफोरेशन ऑक्सीडेशन, नोन एज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, शॉर्ट में HBO, या इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर डिटेल में पढ़ाया गया है। वाटर का इनडायरेक्ट एडिशन कहेंगे इसको हम लोग, भैया डिटेल में पढ़ाया गया है। इस रिएक्शन में यहाँ पर एंटी मार्कोनी कॉप से लिखा गया है, वास्तव में रिएक्शन तो मार्कोनी कॉप से होता है,
लेकिन ऐसा हम देखने पर जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा आभास होता है कि रिएक्शन एंटी मार्कोनिक ऑफ से हुआ है। यहाँ पर ध्यान दें, वाटर जुड़ेगा कैसे, जैसे यहाँ पर सी एच बॉन्ड है, यहाँ पर वाटर लिए, ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। यहाँ पर एक बॉन्ड टूटा, ये माइनस, ये प्लस, कोई भी माइनस प्लस यहाँ पे हो सकता है क्योंकि एक ही जैसा है, तो ये हो जाएगा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, यहाँ पर ओ, ये एच, ये इन है, ये आल है, इन आल। तो यहाँ पर ध्यान दें, ये एटम एक पर हाइड्रोजन होता है, ये दो, ये तीन, दो और तीन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पर टॉटोमेरिज्म हो जाएगी, टॉटोमेरिज्म। और यहाँ पर ध्यान दो बेटा, ये डबल बॉन्ड दो तीन से एक और दो के बीच जाएगा, और एच एक से तीन पर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग क्या लिखने वाले हैं, CH3CHO हो जाएगा। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, तोड़ें, एक साइड में दो बॉन्ड जोड़ दें हाइड्रोजन और एक साइड में ऑक्सीजन, ये ध्यान दें यहाँ पर, इसको यहाँ पर O, यहाँ पर H2, आप सीधे दो बॉन्ड तोड़े, एक साइड में जोड़ दिए O, एक साइड में जोड़ दिए H2, ये हो गया। ये एजेंट देख लें, ये एजेंट इसको A कह दे रहे हैं, इसको B कह दे रहे हैं और इसको C कह दे रहे हैं, तीन एजेंट हैं। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये एजेंट A ले सकते हो, R, B ले सकते हो, सी नहीं लोगे। अच्छा, यहाँ पर अगर आप सी लेते हो, एजेंट सी लेते हो, ध्यान दो, तो ये एंटी मार्कोनिक ऑफ जैसा लगेगा। यहाँ पर मतलब हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम है, और ऑक्सीजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो इसको ऐसे तोड़ दिए, यहाँ पर हो गया CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CHO। यहाँ पर ध्यान दे भैया, यहाँ पर वही केस, क्या लिया गया था, मर्क्यूरिक एसिटेट या कुछ भी ले लो, यहाँ पर वाटर, यहाँ पर वाटर ऐसे जोड़ोगे, ये दो बॉन्ड तोड़ दिए जा रहे हैं, ये दो बॉन्ड तोड़ दिए जा रहे हैं, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस। अब यहाँ पर दो रूट मिलेंगे आपको, मार्कोनिक ऑफ के एंटी में अगर जोड़ते हैं तो ये मिल जाएगा, और अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ रूल लिखते हैं तो ये मिल जाएगा। यहाँ पर एजेंट ए आर वी लेंगे और यहाँ पर एजेंट सी लेंगे, तो ये हो जाएगा। ए आर बी, जो आप रूल जानते हो वही फॉलो करते चलो। यहाँ पर ध्यान दें, ये दो बॉन्ड टूट जाएगा, तो
तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो सी रीअरेंजमेंट नहीं होगा, CH3 CH3। यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, CO CH3 हो जाएगा, ये हो गया। यहाँ पर ARV, यहाँ पर C, यहाँ पर OH2, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा CH3 CH2 CO CH3। और यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CHO हो जाएगा। नोट, एजेंट ए एंड बी ऑलवेज गिव्स कीटोन, ऑलवेज गिव्स कीटोन एक्सेप्ट इन एल्काइन, एक्सेप्ट इन एसिटिलीन एल्काइन, व्हाइल एजेंट सी गिव्स एल्डिहाइड विद लाइटर, गिव्स एजेंट सी गिव्स एल्डिहाइड विद टर्मिनल एल्काइन, वाइल एजेंट वी सॉरी एजेंट सी गिव्स एल्केन सॉरी गिव्स व्हेन ए एंड बी ऑलवेज एजेंट ए एंड बी ऑलवेज गिव कीटोन एक्सेप्ट एस्टरीन, वाइल एजेंट सी गिव्स एल्डिहाइड विद टर्मिनल एल्काइन। थोड़ा सा गलत हो रहा बेटा, विद टर्मिनल एल्काइन एंड कीटोन विद नॉन टर्मिनल एल्काइन। विद नॉन टर्मिनल एल्काइन आप देख ही चुके हो। यहाँ पर एक और बना ले हम लोग, ARB, यहाँ पर C, यहाँ पर H2O, यहाँ पर OH2, ये दो बॉन्ड टूट जाएंगे। ये हो जाएगा। तो चलो आज की बात यहीं तक, आगे फिर नेक्स्ट है। ठीक है।